खबर हाथरस से, जो हाथरस पुलिस और एसटीएफ नोएडा के द्वारा की गई कार्यवाही, मुखबिर की सटीक सूचना पर हाथरस पुलिस और एसटीएफ फील्ड यूनिट नोएडा द्वारा की गई कार्यवाही। हाथरस पुलिस और एसटीएफ की कार्यवाही के दौरान सॉल्वर गैंग के दो युवकों को किया गया गिरफ्तार। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सॉल्वर गैंग द्वारा अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली गई थी। पेपर को लीक कराकर परीक्षार्थी को पढ़वाने के मुकदमे में फरार चल रहे 25,000 रुपए के दो इनामिया युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 3 प्रवेश पत्र और अन्य सामग्री बरामद हुई है। महोदय के निर्देश पर वांछित एवं इनामिया अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसटीएफ नोएडा की तथा कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने के संबंध में दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे दो अभियुक्तों को, जिनके ऊपर 25,000 रुपये के इनाम घोषित किए गए थे, गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके कब्जे से 3 प्रवेश पत्र अन्य प्रतियोगी परीक्षा के संबंध की, एक मोटरसाइकिल, एटीएम कार्ड एवं 500 रुपये बरामद किए गए हैं। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।